गुड आफ्टरनून तेज सिंह, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मानसी, चांदनी, घनश्याम, श्रेया, आदित्य, शुभि, सूर्यकांत, निधि, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, नीरज, गुड आफ्टरनून, दीपक शुक्ला, वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू घनश्याम। लास्ट क्लास का टॉपिक बता सकते हैं? लास्ट क्लास का क्या टॉपिक था हम लोगों का? ऑप्टिकल मेमोरी पढ़ रहे थे ना, सीडी डीवीडी वगैरह। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? माय वॉइस इज कमिंग। ओके, मैग्नेटिक टेप ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल और मैग्नेटिक टेप परमानेंट मेमोरी है। और ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी एंड, और इसको टर्शरी मेमोरी भी कहते हैं, टर्शरी। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा था कि टर्शरी मेमोरी में कौन कौन सा आएगा, तो ध्यान रखना टर्शरी मेमोरी में दो आएंगे, सीडी डीवीडी और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, और ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इट इज एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब इजिली रिमूव, आप इसको इजिली रिमूव कर सकते हैं मैग्नेटिक टेप को। और सीडी डीवीडी भी एक्सटर्नल थी, एक्सटर्नल में आप, एक्सटर्नल मतलब इजिली रिमूव फ्रॉम सिस्टम, ठीक है, इजिली रिमूव फ्रॉम सिस्टम। और ये इसका जो, इसमें जो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल
वो मटेरियल होता है मैग्नेटिक रील। मैग्नेटिक रील, रील कह सकते हैं या इसको मैग्नेटिक फिल्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, फ्लेक्सिबल जैसे रिबन टाइप का होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल, रिबन शेप्ड। ठीक है, ये रिबन शेप्ड होता है। और कंप्यूटर में इसकी जो कैपेसिटी होती है वो करीब 25 GB तक, 25 GB भी होती है और ज्यादा भी होती है, 20 GB, 25 GB, 30 GB, 40 GB की भी मैग्नेटिक टेप्स आते हैं। मैग्नेटिक टेप में आपने जनरली सुना होगा जो आपकी वीडियो कैसेट्स होती थी, पहले ये यूज होता था, वीडियो कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स। तो इसमें मूवी और सॉन्ग रखने के लिए ये काम में आती थी, वीडियो और ऑडियो कैसेट्स। ठीक है, ये दिखते कैसे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप, ये देखिए ये इस तरह के दिखते हैं, सामने आपको दिख रहा है मैग्नेटिक टेप। ये ऐसे ही होती है, ये रिबन शेप्ड, इसमें रील होती है, ये सब ये रील्स होती हैं इसमें, मैग्नेटिक टेप्स ये इस तरीके से दिखती हैं। ठीक है, और ये 1928 इन जर्मनी, जर्मनी में इसकी खोज करी गई थी। खैर, ईयर और जगह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैग्नेटिक टेप होती है ये सिक्वेंशियल एक्सेस होती है, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है इसमें जैसे ऑडियो कैसेट है, अब ऑडियो कैसेट में मान लीजिए सॉन्ग नंबर 1 है, सॉन्ग नंबर 2 है, सॉन्ग नंबर 3, सॉन्ग 4, सॉन्ग 5। अब एज्यूम आपको सॉन्ग नंबर 3 को सुनना है, तो आपको सॉन्ग 1 से हो करके 2 से हो करके तब 3 पर आ पाएंगे, आप डायरेक्टली 3 को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर ये जो सॉन्ग्स हैं ये ऑडियो कैसेट्स में हैं, ये ऑडियो कैसेट में है, देन यू कैन नॉट जंप ऑन सॉन्ग 3। आप सॉन्ग 3 पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। अभी जैसे आप जो मोबाइल में जो मेमोरी यूज करते हैं वो रैंडम एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम या डायरेक्ट। तो रैंडम या डायरेक्ट में क्या होता है, रैंडम स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज में क्या होता है कि इसमें किसी सीक्वेंस को फॉलो करना नहीं है, ठीक है, नो सीक्वेंस, नो नीड ऑफ एनी सीक्वेंस, इसमें किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसे आपने सॉन्ग नंबर 1 सुना, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में 10 सॉन्ग है, 10 में से आपने सॉन्ग नंबर 9 सुना, फिर सॉन्ग नंबर 2 पे आ गए, फिर सॉन्ग नंबर 7 पे चले गए। लेकिन अगर मैग्नेटिक
टेप यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट, तो उसमें सॉन्ग नंबर अगर 10 पे जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब 10 पे जाएंगे, और 10 से 1 पे आना है तो 10 9 8 7 6 5, ऐसे करके आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो आपके सीडी, जैसे सीडी होती है, डीवीडी होती है, हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, और जो आपका एसएसडी होता है, और आपका जो मेमोरी कार्ड होता है, ये सारा जो है आपका रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस होता है, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी पॉइंट, बट इन सिक्वेंशियल एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक टेप ही सिक्वेंशियल एक्सेस है, ठीक है ना, ओनली मैग्नेटिक टेप, ओनली मैग्नेटिक टेप इज सिक्वेंशियल स्टोरेज, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? चांदनी पांडे बेटा, ये कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं, आईटी, जो आईटी टूल्स है उसमें पहली यूनिट जो है वो हम पढ़ा रहे हैं। आईटी टूल्स में आपकी 9 यूनिट्स हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल है, डेटाबेस है, एमएस ऑफिस है, ठीक है, और साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ये सब है, तो उसी में से हम आपको पहला यूनिट पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। आईटी टूल्स आपके पेपर का नाम है ओ लेवल के लिए, और बीसीए के स्टूडेंट अगर कोई है तो उनके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल, उसमें एक ही भी यूनिट है ये पूरी, ठीक है। चांदनी, समझ में आया? अच्छा, ये क्लियर है आपको, मैग्नेटिक टेप समझ में आ गया? फ्लॉपी, फ्लॉपी क्या होता है, ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, और कैसी है, परमानेंट है और एक्सटर्नल है और मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, जो कि क्या होती है, डिस्क के फॉर्म में होती है, तो इसे हम मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। और ये इसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.44 MB ये होता है, ठीक है ना, छोटा स्पेस होता है, लेकिन ये जो है आपकी बाई एलन शुगर्ट, फ्लॉपी का इन्वेंशन हुआ था 1976 या 77 के आसपास, ठीक है, तो जो फ्लॉपी है ये आपके तीन साइज में जनरली फ्लॉपी लॉन्च हुई थी, एक आपकी 8 इंच थी, एक आपकी 5.1x4 इंच और एक 3.5 इंच, ठीक है, जिसमें से इसकी जो कैपेसिटी थी ये तकरीबन 80 के आसपास, 89 या 85 KB किलोबाइट,
और इसमें जो डेटा आ सकता था वो तकरीबन 160 केबी के आसपास, ये अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं आपको, और इसमें जो आता था वो 1.44 MB, जिसमें से जो आपकी सबसे फेमस जो हुई थी वो ये हुई थी 3.44 MB। तो जो एग्जाम में आपसे पूछता है कि फ्लॉपी की कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी आप 1.44 MB लिखेंगे, लेकिन अगर साइज के हिसाब से आ गया तो आप इतना आगे लिखा हुआ है इसके हिसाब से आप लिख देंगे, ठीक, फ्लॉपी। और ये एक्सटर्नल बाकी सब लिखा ही हुआ है, ये देखने में कैसी होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। फ्लॉपी भी आप लोगों में से किसी ने देखी भी होगी और सब ना भी देखी हो तो हम लोग देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है देख लीजिए, ये देखिए ये इस तरीके की होती है फ्लॉपी, यहाँ पर ये देख रही है, ये आपकी 8 इंच है, ये 5.1/4 इंच है, ये 3.5 इंच है, सबसे फेमस यही थी। ये बेसिकली इसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड कवर है, इसके अंदर डिस्क होती है, इसके अंदर ये गोल गोल आपको जो डिस्क दिख रही है इसके अंदर डिस्केट होता है। अगर आप इसको इसमें हम देखिए अंदर से दिखाते हैं इसको, अंदर इसमें फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये कुछ ऐसी अंदर से होती है, ये देखिए ये वाला फिगर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बेसिकली फ्लॉपी डिस्क ये है, ये जो प्लास्टिक का है ये इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, इसी पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। और इसको लगाने के लिए कंप्यूटर में लगाने के लिए ये इस तरह की ड्राइव्स आती हैं, ये देखिए फ्लॉपी ड्राइव, ऐसी ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लॉपी ड्राइव तो आपको दिख जाएगा, मतलब फ्लॉपी इसी के जरिए से, ये देखिए ये दिख रहा है सामने, इसमें फ्लॉपी डलती है, ये सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी में फ्लॉपी डाली जाती थी और इसमें डेटा रीड और राइट होता था, ठीक है। ये फ्लॉपी दिखने में ऐसी रहेगी स्क्वायर, लेकिन अंदर से ये डिस्क शेप रहती है जो कि अभी हमने आपको दिखाया, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है, दिस इज अ डिस्क। फ्लॉपी नेक्स्ट आप देखिए बबल मेमोरी। बबल मेमोरी क्या होती है, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में दिया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क आप ऑब्सिलीट हो गई है, यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख दीजिए आप, बल्कि ऑब्सिलीट, ऑब्सिलीट मतलब अब इसका यूज नहीं होता है, ऑब्सिलीट हो गई, ऑब्सिलीट नाउ। ये 2004 और तक तो चली, उसके बाद ये बंद हो गई। फिर अभी भी मार्केट में लेने जाएंगे तो कहीं शायद स्टोरेज में कहीं मिल जाए, लेकिन अब ये आती नहीं है क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी देखिए कितना है, 1.44 MB। आपके मोबाइल में अगर एक फोटो आप भी खींचते हैं तो वो भी 2-4-6 MB का होता है, ठीक है। तो ये जनरली अब इतना छोटा इस स्टोरेज लेकर के कुछ मतलब नहीं है, अब इसकी जगह पेन ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, ये सब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर लेते हैं। तो ये ऑब्सोलीट हो गई, इसको लिख लीजिए ऑब्सोलीट हो गई, बबल मेमोरी। हेडिंग डाल लीजिए, बबल मेमोरी। ये भी छोटी मेमोरी होती है, स्मॉल मेमोरी। अच्छा, इसमें वोलाटाइल लिख लीजिएगा, वोलाटाइल सारी है इसमें भी, आप फ्लॉपी में भी यहाँ पे लिख लीजिएगा वोलाटाइल, वो सॉरी नॉन वोलाटाइल, परमानेंट मेमोरी है ना, इसमें भी आप लोग नॉन वोलाटाइल लिख लीजिए,
डिस्क, तेज डिस्क या डिस्क जो है दोनों की स्पेलिंग सेम है, आप चाहे डिस्क लिखिए चाहे डिस्क, दोनों में से चाहे जो भी लिख लीजिए। एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक जो है ब्रिटिश इंग्लिश है, आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, एनीथिंग यू कैन राइट, इट इज वेरी स्मॉल, नॉन वोलाटाइल, और ये चिप बेस्ड मेमोरी होती है, चिप बेस्ड मेमोरी और इंटरनल होती है, इंटरनली इसको, ये भी अब सब ऑब्सोलीट हो गई है, इट इज ऑब्सोलीट नाउ। इसका कॉन्सेप्ट ये होता था कि ये जैसे मान लीजिए कि ये मेमोरी है और इसमें ये छोटे 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 इसमें बबल्स होते थे जो डेटा को रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, और ये इस तरीके से इसमें ब्लॉक होते थे ऐसे, हर ब्लॉक में ये इस तरीके से ऐसे करके कुछ ब्लॉक्स हुआ करते थे। बबल मेमोरी अब यूज नहीं होती, ठीक है ना, और इन ब्लॉक्स में ये इस तरीके से ऐसे बबल हुआ करते थे, और ये जो बबल है ये 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते थे। बबल जैसे पानी का बुलबुला नहीं होता है उस तरह का, बबल रिप्रेजेंट 1 और 0, ठीक है, और ये जो है एक 1 ब्लॉक होता था, और एक ब्लॉक में अ बबल, एक बबल, ये जो ये एक बबल जैसे ये है, इस तरीके से ये बबल हुआ करते थे पूरे में ढेर सारे बबल, ये तो हमने यहाँ पे 2 ही 3 बना रहे हैं। अ बबल इज 1 बिट, चाहे ये 0 हो या 1 हो, ये 1 बिट रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से एक ब्लॉक में 128 बाइट सेव हो जाता था डेटा, 128 बाइट्स, और टोटल जो ब्लॉक होते थे यहां से लेकर के यहां तक ये होते हैं 200 ब्लॉक्स। ठीक है, 200 ब्लॉक्स। हम आपको बबल मेमोरी वाला नोट्स भेज देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है इन्वेंटेड इन 1970 बाय एंड्रयू बोबेक, ये भी लिख लीजिए इसका इन्वेंशन 19, कितना था 1970, 1970 बाई एंड्रयू बोबेक। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे कि इसका जो साइज था वो ये था 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टोर्ड 4096 बिट्स। ठीक है, 4096 बिट, 4096 बिट ओनली। ठीक है,
और एक ब्लॉक का जो साइज होता था वो ये 128। बाकी तो इसकी थोड़ी सी और डिटेल लिखी हुई है दूसरी मेमोरी की भी, तो वो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिखने में ये जो मेमोरी होती है वो हम देख लेते हैं कैसी होती है, बबल मेमोरी। बबल मेमोरी देखिए ये इस तरीके की, देखिए कॉइन के बराबर है ये मेमोरी, ऐसी होती है बबल मेमोरी। जैसे ये इस तरह की डिवाइसेस में लगती है, जैसे मीटर वगैरह में या ऐसा कुछ कुछ भी, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज हो सकती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं इसमें। चिप टाइप की ये मेमोरी होती है, और देखिए ये बोर्ड की मेमोरी, ऑन बोर्ड मेमोरी है ये ना, एक बार स्टिक हो गई बोर्ड पे तो निकलेगी नहीं इतनी आसानी से, ये ऑन बोर्ड मेमोरी होगी। ये आपको दिख रही है बेबल मेमोरी, इसका अब यूज नहीं होता है बेबल मेमोरी का, मदरबोर्ड पे कहीं भी लगा सकते हैं इसको, ये देखो मदरबोर्ड पे, तो अब इसकी जगह रॉम यूज हो जाती है बेसिकली बबल मेमोरी।